लक्सर स्थित फ्लाईओवर के ऊपर आए दिन आवारा पशुओं का डेरा लगातार हादसों को न्योता दे रहा है, जिस कारण दोपहिया वाहनों के जरिए आवाजाही करने वाले राहगीरों को भी चोटिल होना पड़ रहा है। मगर वहीं नगर पालिका परिषद प्रशासन अनगिनत शिकायतों के बावजूद भी इस पर सबक लेने को तैयार नहीं है। हाल ही में तहसील दिवस कार्यक्रम के दौरान उपजिला मजिस्ट्रेट के द्वारा इसका संज्ञान लेती हुई निकाय विभाग को जमकर फटकार लगाई की थी, लेकिन नगर पालिका परिषद प्रशासन पर इसका कोई भी असर होता नजर नहीं आ रहा है और अभी भी हालात ऐसे के तैसे बने हुए हैं। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। नगर पालिका क्षेत्र में फ्लाईओवर के नीचे नगर पालिका के द्वारा एक गौशाला बनाई है जो कदापि उचित नहीं है। वही जानवर दिन में फ्लाईओवर पर आ जाते हैं और उससे यातायात बाधित होता है और एक्सीडेंट होने की भी संभावना बनी हुई है। इस संबंध में ईओ को निर्देशित किया गया है कि तत्काल इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि अभी जो पहले ईओ थे उनका ट्रांसफर हो गया है, तो नए ईओ आए हैं उनको मैंने निर्देशित कर दिया है कि तत्काल इसको जो समस्या है इसका निस्तारण करें और इस जो गौशाला फ्लाईओवर के नीचे बनाए है उसको उचित स्थान पर शिफ्ट करें, और यदि इसमें नगर पालिका के द्वारा इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो निश्चित रूप से नगर पालिका के विरुद्ध इसमें उचित कार्रवाई के लिए भी अग्रिम कार्रवाई इस स्तर से की जा सकती है। मैंने अपने गुरुजनों से, संत महापुरुषों से, अपने हिंदू धर्म से, अपनी सनातन परंपराओं से, भगवान श्री कृष्ण से, गीता से, वेद से और पुराण से यह समझा और सीखा है कि सभी देवी देवताओं का वास गाय के पेट में है, गाय के अंदर है, और यदि सभी देवी देवताओं का वास गाय के अंदर है तो हम सबके लिए यह बड़े गौरव की बात है और हमको उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, गाय माता का आदर सत्कार करना चाहिए, उसके वंश की रक्षा करनी चाहिए। वैदिक गौशाला ने मुंडाखेड़ा कला गांव में एक गौशाला का निर्माण किया है, 15-20 लाख 25 लाख रुपए उसमें लगाए हैं। यदि नगर पालिका परिषद लक्सर वैदिक गौशाला से कोई अनुदान चाहती है तो उसको देने के लिए भी तैयार है, और यदि नगर पालिका परिषद सरकार और अधिकारी वैदिक गौशाला को जिम्मेदारी देते हैं कि नगर पालिका परिषद की जमीन में आप बनाए तो 11 दिन के अंदर गौशाला का निर्माण करने की हिम्मत कालिंदी जो गाय माता है उसके आशीर्वाद से हमारे पास है, हम उसको कर देंगे। मैं चाहता हूं एक्सीडेंट में कोई बछड़ा, कोई सांड, कोई गाय, कोई बछड़ी नहीं मरनी चाहिए और उनके प्रति दुर्भावना भी किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। समय बड़ा खराब है, गोवंश की रक्षा करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। वैदिक गौशाला को भरपूर सहयोग लोगों का, प्रधानों का, गांवों का, समाज का, राजनीतिज्ञों का, भाजपाइयों का, कांग्रेसियों का, बहुजन समाज पार्टियों वालों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का जम करके मिल रहा है।